कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। आपको बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद सोशल मीडिया पर कलेक्टर द्वारा भड़काऊ पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आज शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई। गुना शहर में शांति बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही ऐसा कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। उसको निर्देशित किया जाए ताकि वो ऑर्डर देने से पहले उसको कंफर्म कर ले कि गलत चीज नहीं बताई जाएगी। दूसरी चीज सर, कोई भी त्योहार हो, वैसे भी ये 3 महीने चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि सिंध नदी पे पानी सूख गया है। 470 ट्यूबवेलों से हम शहर को पानी देने वाले हैं। 300 टैंकर हम लोग फ्री देते हैं, हर वार्ड में हम टैंकर फ्री भेजते हैं। कैसा हम 300 टैंकर पर डे फ्री देते हैं। जहाँ भी लोगों को जरूरत पड़ती है हम 4 भागों में शहर को बांट लेते हैं और हम मिलजुल कर सारे त्यौहार मनाते हैं। चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे भोला समाज की कम्युनिटी हो, चाहे सभी हो हिंदू समाज, सभी सातों समाज हमारे त्यौहार में शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हैं। चाहे मुहर्रम का मनाकर हम लोग त्यौहार मनाते हैं, जैसे एक परिवार के अंग है। पुलिस प्रशासन से भी और जिला प्रशासन का सहयोग सदा हमको मिलता है।